मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रिया पांडे साइनिंग इन। और आज का ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है और ये ब्लॉग मानसून ब्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं भीमगढ़, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं हूँ करजत स्टेशन पर। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे से हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। तो 8:15 को हम पहुँचे थे करजत स्टेशन जी, और तब से हम दोनों वेट कर रहे हैं देवेंद्र का। और अभी बज रहे हैं 9:15, पर अभी तक वो आए नहीं है। सो उन्होंने अपना वो मेंटेन रखा है डेट आने वाला जी, जी 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 जी। और हम भी मेंटेन रखने वाले हैं उनको सुनाने का जो है, अगर मौका मिला तो वो भी कैप्चर करेंगे जी। व्हिडिओ चालू असताना अजिबात बोलणार नाही आणि नसताना एकदम सगळं गडबड चालू असते। अभी मैं आ पहुंची हूँ वदव गांव। सो यहाँ से अभी हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं। ये रास्ता गांव से होते हुए जाता है और ये मेरे कुछ साथी मजा करते हुए। भीमगढ़ करजत से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको स्टेशन के पास से ऑटो मिल जाएगी जो आपको वदव गांव ड्रॉप कर देगी, और वहीं से शुरू होता है भीमगढ़ ट्रैक। हम ऐसे चल के जा रहे हैं और यहाँ से एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ वो वाटरफॉल कितना खूबसूरत है। अरे डर रहे हैं केकड़े से, खाते समय नहीं याद आता उनको। और अभी देखो, देखो आप देख सकते हैं हरीश। नहीं नहीं मैं नहीं खाता हूँ केकड़ा, आई एम वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। झूठे। नहीं नहीं We've been running with confidence to find someone to love and take off on a free fall, no matter where we gonna land, only you can make me feel this way. Time is right now. Only you can make me feel this way. Way, way, oh, yeah. Won't you take me with you? We can fly away from here. See the world in a million ways. Find what we're looking for. Won't you take me with you? अभी हम आ चुके हैं वॉटरफॉल के इधर, और ये बहुत ही सुंदर वॉटरफॉल है यहाँ पर। मतलब जब आप भीमगढ़ का ट्रैक करते हो तो ये वाटरफॉल कितना आता है, तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं क्योंकि ट्रैक बहुत छोटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें यूज़ करना है वाटरफॉल को। ये हमारे दोस्त देवेंद्र मेस्त्री और दूसरे हैं हरीश अग्रवाल। वाटरफॉल के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी भीमगढ़ के टॉप जाने के लिए। भीमगढ़ सी लेवल से 850 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं दूसरी तरफ ऊपर का जो एरिया है वो 4 acres में फैला हुआ है। सो अभी हम यहाँ पर एक प्लेटू पे पहुँचे, और यहाँ पर दो रूट जाते हैं। एक जाएगा भीमगढ़, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रूट जाता है धागबेरी के लिए। तो अगर आप धागबेरी भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भीमगढ़ बनना चाहते हो धागबेरी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धागबेरी करने के बाद फिर 2 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट। अच्छा ना, इसे बहाने ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना हरीश। यस, मैं जाऊंगा ऑफिस बदल का। बारिश में ट्रैक करने का अपना अलग ही मजा होता है, जहां बूंदे हरियाली को निखारती हैं, मिट्टी की भीनी खुशबू हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर देती है, और सह्याद्री वो तो मानो इन सबके साथ ही साथ लहराती है। अब जो आप ये ढांचा देख रहे हैं वो भीमगढ़ का एंट्रेंस है। महाराष्ट्र में गढ़ किलों की अपनी एक पहचान है।
लेकिन अब बचे हैं तो सिर्फ कुछ अवशेष जिन्हें हमें प्रिजर्व करना है ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास जान सके और खूबसूरती का आनंद ले सके और बरसों बरसों ये खूबसूरती और निखरती रहे। ये है पानी की टाकी। आप किसी भी फोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर पानी की टाकी मतलब अक्सर होती ही है। और इस फोर्ट पर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर 9 पानी की टाकियाँ हैं। कितने? 9। यहाँ पर दूसरा पानी का टाकी आप देख सकते हैं और ये है लहराता हुआ भगवा। इसे ही तो देखने हम इतने नीचे से ऊपर आते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं भीमगढ़ के टॉप पर। इसकी हिस्ट्री एज सच तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसे वॉच टावर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली ये जो आपने पीछे का नज़ारा देखा, यहाँ से बर्ड व्यू मिलता है। तो ये पूरे एरिए पे नज़र रखने के लिए इस टावर का इस्तेमाल उस ज़माने में किया जाता था। और सेकेंड थिंग, इसे एज अ जैसे कि हम रास्ते पे जाते हैं तो टोल पड़ता है, वैसे उस समय भीमगढ़ एज अ टोल नाका था। लोग बाहर से आते थे, यहाँ पर टोल भरते थे और फिर आगे जाते थे, तो इसलिए भी ये फोर्ट इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर फूड ग्रेन्स वगैरह भी स्टोर किए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 9 टाकियाँ हैं, तो जो लोग यहाँ पर रहते थे, निगरानी करते थे, उनके लिए वो चीज़ स्टोर्स भी, ग्रेन्स वगैरह यहाँ की जाती थी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ प्रिया पांडे विद देवेंद्र मिस्त्री एंड हरेश अग्रवाल साइनिंग ऑफ।